हॉस्पिटल में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी और इमरजेंसी जो बैकअप था उस पर जो मरीजों को रखा गया था। फिलहाल जो टैंकर है जो पानीपत में पंचर हुआ था, जिसके बाद जो करनाल पुलिस की निगरानी में, दो जिप्सियों की निगरानी में जो टैंकर है वो ऑक्सीजन का यहाँ पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। अब लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस की निगरानी में जो टैंकर को ऑक्सीजन को यहां पर लाया जा रहा है। इमरजेंसी की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो ऑक्सीजन लेवल हो बिल्कुल खत्म हो चुका था, जो सिलेंडर है उनके माध्यम से जो ऑक्सीजन दी जा रही थी। हालांकि कुछ परिजनों का आरोप था कि उनके जो मरीजों की जो ऑक्सीजन कम की गई, जिसके बाद जो आप देख सकते हैं कि पुलिस की निगरानी में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसे कार के कल्पना चावला हॉस्पिटल में लाया गया और अभी से यहाँ पर जो टैंकर है उसमें फील किया जाएगा, ताकि जो किस प्रकार की कोई आहत यहाँ पर ना हो। और जो पंचर होने की वजह से जो ट्रक यहाँ पर पानीपत में फंस गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं अब टैंकर को यहाँ पर लगाया जाएगा और सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से डायरेक्टर और सभी अधिकारियों के माथे पर एक चिंता की लकीर जरूर थी, क्योंकि जिस तरह से जो ऑक्सीजन करनाल के कल्पना चावला में खत्म हो चुकी थी, कुछ ही मिनटों का बैकअप शेष था। जो सिलेंडरों के माध्यमों से यहां पर सिलेंडर लगाए गए थे, सिलेंडरों से ऑक्सीजन को पूरा किया जा रहा था। जो मरीज है उन्हें ऑक्सीजन जो सिलेंडरों के माध्यम से दी जा रही थी, क्योंकि इन पर जो बैकअप है लास्ट समय का जो बैकअप सिलेंडर के माध्यम से जो मरीजों को बैकअप दिया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी। लेकिन जो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि दो पुलिस की जिप्सियों की निगरानी में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर कल्पना चावला में पहुंचा, कहीं ना कहीं होचपोच की स्थिति यहां पर होती हुई नजर जरूर आ रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही थी, फिलहाल जो ऑक्सीजन का जो टैंक है यहां पर पहुंच चुका है और उसके माध्यम से अब यहां पर जो ऑक्सीजन यहां पर दी जाएगी। लाइव सूर्य पंजाब के श्री माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से जो ऑक्सीजन का टैंक यहां पर पहुंचा और इमरजेंसी जो बैकअप यहां पर लेकर पहुंचे नजर आ रहे, जो एसएचओ यहां के उनसे बातचीत करने का प्रयास करें, हॉस्पिटल में लेके आए ताकि जल्दी से जल्दी। कहां पे हुआ था सर ये पंचर? ये रिफाइनरी से निकलता ही थोड़ा सा आगे वहाँ पंचर हो गया, तो ऑक्सीजन का ही था ये। कल्पना चावला आना था इसमें? हाँ बिल्कुल, कल्पना चावला आना था। पहले हमने पीसीआर 16 भेजी हुई थी, लेकिन जैसे ही एसपी साहब का फोन आया कि तुरंत मिस्त्री का प्रबंध करके इसका व्हील चेंज करवाया और फिर आगे पीछे हमने एस्कॉर्ट और वो करके इसको जल्दी, क्योंकि परेशानी बढ़ गई थी यहाँ पर, कुछ घंटों की बैकअप शेष रह गया था। हाँ जी, हमें भी फोन पे बार बार बताया जा रहा था कि जितनी जल्दी हो सके, हमने साइड के जितने भी व्हीकल्स थे सबको हटाते हुए और इसको स्पीडली लेके आए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं थाना एसएचओ मर्तक मौजूद थे, उन्होंने किस तरह से बताया कि जो व्हीकल्स को हटाते यहाँ पर लेकर पहुंचे और जो यहाँ पर अधिकारी हैं जो कल्पना चावला के अधिकारी, अब उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो डिप्टी डायरेक्टर कम्बोज उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कम्बोज हमारे साथ मौजूद है, परेशानी अपने में हो जाती है, कम हुई है जी? बिल्कुल, अभी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास रिसीव हो गई है, तो एक थ्रेशोल्ड होता है, तो थ्रेशोल्ड अचीव होने से पहले ही बल्कि हमें सप्लाई रिसीव हो गई है, तो वी आर थैंकफुल। जो सारे प्रशासन ने एकदम से एक्टिवेट होकर इसको यहाँ पर सप्लाई किया, तो वी होप कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। एंड इसी तरह की परेशानी ना है, उसी को लेकर 10,000 लीटर का यहाँ टैंक बनाया जा रहा है जी। बिल्कुल, क्योंकि एक बैकअप हमें जरूर चाहिए, तो क्योंकि डेली कंजप्शन डेली हमारे पास बढ़ती जा रही है मरीजों की संख्या को देखते हुए, तो उसी के लिए एक रिजर्व टैंक हम और अरेंज कर रहे हैं, उसका ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है और आने भी। सर एक रिलेटिव भी आए थे, कुछ एक या दो लोगों की मौत भी हुई है, कुछ इस तरह की बात भी आ रही है? वो मैं पर्सनली देख के आया हूँ, तो उसमें प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन था, तो पेशेंट लास्ट स्टेज पे था। कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण तो नहीं? ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई ऐसी कोई घटना नहीं है।